अब आप सबको लिथोस्फेरिक प्लेट्स ये एक वर्ड है जो आपने बहुत अच्छे से समझना है हमारी धरती के अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं उन प्लेट्स में से हमारे पास सेवन मेजर प्लेट्स हैं राइट right? ये जो हमारे अर्थ के नीचे प्लेट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के आसपास कभी आती हैं कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं कभी एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं इसे हम पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं जो आप अपने क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर टू में पढ़ेंगे अभी यहां पर हमारे पास क्या है द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इंटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट मतलब जो हमारा लिथोस्फेयर है लिथोस्फियर क्या होता है हमारा लैंड एक हमारा क्या होता है हाइड्रोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर क्या होता है वाटर एटमोसफियर ये क्या होता है हमारा एयर और इन तीनों को हम क्या कहते हैं लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर एटमोस्फियर क्या कहते हैं हम इसे हम इसे कहते हैं डोमेन्स ऑफ द अर्थ और जहां पर ये तीनों आके मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं हम कहते हैं बायोस्फियर तो बायोस्फेयर क्या होते? होता है बायोस्फीयर होता है जहाँ पे लिथोस्फीयर एटमोसफेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों आके इंट्रैक्ट करते हैं और मिलते हैं एंड दीज थ्री आर योर डोमेन्स ऑफ द अर्थ अब यहाँ पर क्या है लिथोस्फीयर जो है वो हमारा बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन है उन प्लेट्स को हम क्या बोलेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स राइट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली वो कहते हैं आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रही हैं एक दूसरे से मूव करी इवन कि आपको पता है हमारी धरती के नीचे बहुत सारा मोल्टन मैगमा है और ये जो मोल्टन मैगमा है ये हमेशा आगे पीछे मूव करता रहता है मूव करता है हमारी जो धरती है ये धीरे धीरे उस मोल्टन मैगमा के ऊपर मूव करती है This is because of the movement of the molten magma. इन साइड द अर्थ दोल्टन मैगमा इन साइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर एज शोर इन द एक्टिविटी ये आप अपनी बुक में देखिए ये नेचर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका मोल्टन मैग्मा है और ये जो ऊपर आपको वेस्ल दिखाई दे रहा है ये एक तरह का हमारा अर्थ है तो हमारा बिल्कुल इसी हिसाब से हमारे अर्थ के नीचे जो मोल्टन मैग्मा है वो मूव करता है और ऊपर हमारे अर्थ में जो प्लेट्स हैं जो हमारे अर्थ के नीचे कुछ प्लेट्स हैं वो भी इसी मैग्मा के ऊपर तैरती हैं ठीक है ठीके? अब ये मूवमेंट और ऑफ प्लेट कॉज चेंज ऑन दी दर्फेस ऑफ अर्थ जब हमारे अर्थ के नीचे कोई मूवमेंट्स होती हैं प्लेट की मूवमेंट होती है तो हमारे अर्थ के ऊपर भी बदलाव होएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप थर्ड फ्लोर में रहते हो आपकी बिल्डिंग में आप थर्ड फ्लोर पर रह रहे हो आपके सेकेंड फ्लोर में कुछ बदलाव आया नीचे उनका जो टेरेस है या उनकी रूफ है उसमें कुछ हुआ तो डेफिनेटली थर्ड फ्लोर वालों को कुछ तो असर होगा ही ना कुछ ना मूवमेंट कुछ तो गड़बड़ होगी उनके ऊपर सेम वैसे ही जब हमारे अर्थ के नीचे कोई मूवमेंट होती है तो हमारे सरफेस के ऊपर भी कोई ना कोई असर तो होगा और वो किस क्यों क्या होगा वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉज दैम ठीक है हमारी कुछ मूवमेंट्स होती हैं अर्थ के ऊपर दीज फोर विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनेटिक फोर्सेज एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्जोजेनेटिक फोर्सेज दो फोर्सेस का नाम याद रखना है एंडोजेनेटिक फोर्स एक्सोजेनेटिक फोर्स एंडो मतलब अर्थ के अंदर एक्सो मतलब अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें अर्थ के अंदर होंगी अर्थ के नीचे होंगी उन फोर्सेस को हम बोलेंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस और जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर होंगी उन्हें हम बोलेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस अब ये डायग्राम आप देखो डायग्राम होगा आपकी बुक में आप सब देख रहे हैं ये डायग्राम अर्थ मूवमेंट एंडोजेनेटिक फोर्स एंडोजेनेटिक के अंदर हमारा क्या आ सकता है अर्थक्विक अर्थक्विक कहाँ से आएगा अर्थ के अंदर से आएगा नीचे से आएगा वर्ल्ड कैनो कहाँ से आएंगे नीचे से आएंगे लैंडस्लाइड जब जहाँ से धरती हिलेगी नीचे होगा तो लैंड स्लाइड एक्सोजेनेटिक में जो अर्थ के ऊपर क्या होगा हमारे ऊपर इरोजन इरोजन क्या होता है जब एक जो मूवमेंट है जैसे सोइल है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है या अपने साथ नदी अपने साथ बहुत कुछ बहा के लेकर आती है दिस इज ऑल इरोजन डेपोजिशन जहां पर एक जगह इकट्ठा होता है रिवर रिवर्स ओवरफ्लो हो गए विंड्स की वजह से कुछ मूवमेंट्स आ गई सी वेव्स की वजह से कुछ मूवमेंट्स आ गई या ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से कुछ मूवमेंट आ गई तो ये सारी चीजें कहाँ होंगी अर्थ के ऊपर तो ये हम कहेंगे इसको एक्जोजेनेटिक जो अर्थ के अंदर होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे एंडोजेनेटिक ठीक है और ये दो फोर्सेज होती हैं हमारी अर्थ मूवमेंट की एंडोजेनेटिक फोर्सेज समटाइम प्रोड्यूस सर्डन मूवमेंट एंड एट टाइम अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट कभी तो बहुत जोर से एंडोजेनेटिक फोर्सेस रिएक्ट करती हैं और कभी कभी बिल्कुल धीरे करती हैं। एकदम सडन मोमेंट्स लाइक अर्थ क्विक एंड वोलैनो कॉज डिस्ट्रक्शन ओवर दी सरफेस ऑफ अर्थ बिल्कुल आने से या के आने के वजह से बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती हैं। ये है हमारा सबसे पहला टॉपिक आपकी एन बुक का दैट इज़ योर अर्थ मूवमेंट राइट अब सेकेंड वीडियो में हम आपको समझाएंगे वॉल कैनोक क्या होता है और कैसे उसकी जो डिटेल स्टडी है वो कैसे होती है राइट right, बेटा थैंक यू